इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में कौन नहीं जानता। उनके पराक्रम और इस साहस की कहानियाँ पूरी दुनिया में एक मिसाल के तौर पर देखी जाती है। लेकिन दोस्तों, ऐसे कई मौके आए जब मोसाद ने अपनी इंटेलिजेंस और बंदूक की ताकत को पूरी दुनिया के सामने दिखाया। ये वो मिशन थे जिनकी वजह से दुनिया ने मोसाद को एक अलग तरह से पहचाना। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ही मिशन की। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को भी दबा दिया होगा। तारीख 27 जून 1976, जगह इसराइल की राजधानी तेल अवीव का बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रात के करीब 11 बजे जब फ्रांस की एक फ्लाइट एयरबस A300 V4203 ने इसराइल की राजधानी तेल अवीव से ग्रीस की राजधानी एथेंस के लिए उड़ान भरी, तब किसी को भी ये खबर नहीं थी कि उन सब पर कौन सी मुसीबत आन पड़ी है। बता दें कि इस फ्लाइट में 246 यात्रियों के अलावा क्रू के 12 सदस्य भी सवार थे और इस फ्लाइट को एथेंस में थोड़ी देर रुककर कुछ और पैसेंजर्स को लेकर फ्रांस की राजधानी पेरिस तक जाना था। लगभग 1.5 घंटे बाद ये फ्लाइट एथेंस पहुंची, जहां से इस प्लेन में 58 यात्रियों के साथ 4 आतंकवादी भी सवार हो गए। इनमें से 2 आतंकवादी पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन से जुड़े थे, जबकि 2 जर्मनी के रेवोल्यूशनरी ब्रिगेड से संबंध रखते थे और इनका मुख्य उद्देश्य उसी दिन इस प्लेन को हाईजैक करना था। एथेंस से इस फ्लाइट ने जैसे ही पेरिस के लिए उड़ान भरी, इन आतंकवादियों ने प्लेन को हाईजैक कर लिया। शुरुआत में आतंकी इस प्लेन को लीबिया के शहर बेनगाजी ले गए, जहां हाईजैकर्स की मांग पर प्लेन में फ्यूल भरा गया। 7 घंटे बेनगाजी में रुकने के बाद आतंकियों ने एक महिला को बीमार होने के कारण रिहा कर दिया। इसके बाद इन्होंने कई अरब देशों में इस प्लेन को लैंड कराने की कोशिश की, क्योंकि इन्हें उम्मीद थी कि इसराइल से दुश्मनी होने के कारण ये देश इन्हें लैंडिंग की परमिशन दे देंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीतिक कारणों से कई देशों ने इस विमान की लैंडिंग से साफ इनकार कर दिया। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया ये भी जानेंगे, लेकिन चलिए उससे पहले थोड़ा इतिहास जान लेते हैं कि असल में ये पैलेस्टीन लिबरेशन आर्मी है क्या और क्यों इसराइल इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। अब दोस्तों, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ और एलाइड पावर्स ने एक्सिस पावर्स को हरा दिया, उस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा उठकर सामने आया था वो था युद्ध के बाद बेघर हुए यहूदियों को शरण देने का। उस समय ब्रिटेन ने एक बीच का रास्ता निकालते हुए कहा कि यूरोप में रह रहे इन यहूदियों को उनके पैतृक स्थान पर जगह देना ही सही रहेगा, जिसके बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन के एक हिस्से को अलग करते हुए इसराइल नाम का एक अलग देश बसाने का फैसला किया। दुनिया भर के यहूदी बड़ी ही खुशी और उल्लास के साथ वापस अपने देश इसराइल लौटे। इसराइल ने तेल अवीव को अपनी नई राजधानी बनाया, क्योंकि जेरूसलम पर फिलिस्तीनी और इजरायली दोनों ही अपना हक जता रहे थे। लेकिन फिलिस्तीन इस बात को कभी कबूल नहीं कर सका कि उनके देश के एक टुकड़े को काटकर एक अलग देश बनाया गया। और दोस्तों, इसी आइडियोलॉजी के साथ जन्म हुआ पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन का। इनका मानना था कि ये हथियारों के बल पर फिलिस्तीन को फिर से आजाद करवाएंगे। वहीं दूसरी तरफ यासिर अराफात की अगुवाई में पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रही थी। इसराइल और पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन हमेशा से ही एक दूसरे के दुश्मन रहे। खैर, अब लौटते हैं हमारी हाईजैक वाली कहानी पर। 28 जून 2:03 थक हार कर इन हाईजैकर्स ने विमान को युगांडा के एंटेबे हवाई अड्डे पर लैंड करवा दिया। और दोस्तों, इसीलिए इस ऑपरेशन का दूसरा नाम ऑपरेशन एंटेबे पड़ा। वहाँ के उस समय के तानाशाह इदी अमीन ने इन हाईजैकर्स को वो सभी सुविधाएं दी जिसकी भी इन्हें जरूरत थी। आतंकियों के कहने पर इदी अमीन ने अपनी सेना के खास लड़ाकों को बंदूकों की निगरानी के लिए भी तैनात किया। दोस्तों, इदी अमीन के बारे में कहा जाता है कि वो युगांडा का एक बहुत ही क्रूर तानाशाह था और इसी के साथ साथ वो इसराइल से भी नफरत करता था। युगांडा का ये एंटेबे एयरपोर्ट इसराइल के करीब 4000 किलोमीटर दूर स्थित है और ये बात भी इन आतंकियों के पक्ष में जाती, क्योंकि इसराइल की आर्मी के लिए इतना दूर आकर कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन करना लगभग इम्पॉसिबल था। साथ ही युगांडा की मिलिट्री फोर्स भी इन आतंकवादियों की खूब मदद कर रही थी। इधर इसराइल में विमान अपहरण की खबर आते ही खलबली मच गई। आनंद फानन में इसराइली सरकार ने सेना प्रमुख और खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि पहले तो आतंकियों की मांग को सुना जाएगा, जिसके बाद ही कोई फैसला होगा। आतंकियों ने इसराइल की अलग अलग जेलों में बंद अपने सैकड़ों साथियों को छोड़ने की मांग रखी। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये आतंकी विदेशों में बंद अपने दूसरे साथियों को छुड़ाने और 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स की मांग भी कर रहे थे। और इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए आतंकियों ने इसराइल को 48 घंटे का वक्त दिया। अब जब हाईजैकर्स की डिमांड सामने आ गई, तब इसराइल ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए प्लान बनाना शुरू किया। इसराइल में हंगामा होने लगा और लोगों की मांग थी कि आतंकियों से बात करके लोगों को छुड़ा लिया जाए। लेकिन दोस्तों, इसराइल का इतिहास रहा है कि वो कभी भी आतंकियों से बात नहीं करता, यानी कि या तो इस पार या फिर उस पार। उस वक्त इसराइल के प्रधानमंत्री यित्सक रैबिन थे, जिन्होंने कैबिनेट में इस बात पर चर्चा की कि अपने नागरिकों को कैसे बचाया जाए। अब चूंकि इसराइल और एंटेबे की दूरी काफी ज्यादा थी, ऐसे में शुरुआत में ही कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना मुश्किल लग रहा था। तब पता चला कि युगांडा के इदी अमीन को नोबेल शांति पुरस्कार की ख्वाहिश थी। और फिर इसराइल ने क्या किया,
कि उस तानाशाह को ऑफर कर दिया कि अगर वो सभी यात्रियों को छोड़ देगा तो उसे वो ये सम्मान दिलवा सकता है। लेकिन दोस्तों इदी अमीन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके बाद इसराइल ने अपने दूसरे ऑप्शन तलाशना शुरू कर दिया। इस सबके बीच इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी एक्टिव हो चुकी थी और हाईजैकर से जुड़ी सभी डिटेल्स इकट्ठा करने लगी। वो रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अपनी प्लानिंग कर रहे थे क्योंकि लगातार दिन बीत रहे थे और कई अलग अलग तरह के प्लान्स भी काम नहीं कर रहे थे। इसी बीच हाईजैकर्स ने एक बड़ा कदम उठाया, उन्होंने सभी बंदियों को दो हिस्सों में बांट दिया, यानी कि यहूदियों को अलग किया और बाकी सबको अलग कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक एक कर गैर यहूदियों को छोड़ना भी शुरू कर दिया, जिससे ये साफ हो गया कि हाईजैकर्स का निशाना सिर्फ और सिर्फ इसराइल था। अब एंटेबे हवाई अड्डे पर 94 इजरायली यात्रियों के साथ कुल 116 लोग ही बंधक बचे थे। इसराइल ने भी आतंकियों को उलझाने के लिए चाल चली और उनकी डील को लेकर बातचीत करना शुरू कर दिया। इसी दौरान मोसाद के जासूसों ने एंटेबे एयरपोर्ट से जुड़ी खुफिया जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। इसके बाद इजरायली सरकार और सेना ने खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर हाईजैकर से 4 जुलाई तक का समय मांगा, जिसके बाद आतंकियों को ये भरोसा हो गया कि इजरायली सरकार उनके सामने घुटने टेकने को तैयार है। लेकिन दोस्तों मोसाद का प्लान कुछ और ही था। पहले ये सोचा गया कि पानी के रास्ते कुछ जवानों को भेजा जाए जो एंटेबे पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए, लेकिन दोस्तों ये सफर बहुत लंबा था, ऐसे में इसे रद्द कर दिया गया। इसके बाद मोसाद और इजरायली एयरफोर्स ने मिलकर एक नया प्लान बनाया। करीब 200 जवानों की टीम को तैयार किया गया और फाइनली यही तय हुआ कि कुछ विमान में ये सभी जवान एंटेबे पहुंचेंगे और अपने नागरिकों को सुरक्षित बचाकर ले आएंगे। अब दोस्तों जब ये प्लानिंग हो रही थी तब मोसाद को एक खास जानकारी मिली। पता चला कि इदी अमीन कुछ दिन के लिए अपने देश से बाहर जा रहा है, बस इसराइल के लिए यही मौका था। तय हुआ कि 3 और 4 जुलाई को इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। 3 जुलाई को इजरायली कैबिनेट ने अपनी लंबी बैठक के बाद ऑपरेशन एंटेबे को हरी झंडी दे दी और इसी दौरान मोसाद ने भी गैर इजरायली बंधकों से कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटा ली थी, जिससे मोसाद के पास आतंकियों की तादाद और उनके हथियारों की जानकारी मिल गई। इसके अलावा मोसाद को ये पता लगा कि एंटेबे एयरपोर्ट के इस टर्मिनल को इसराइल की ही एक कंपनी ने बनाया था, जिनसे ब्लूप्रिंट लेकर इस मिशन में शामिल सभी कमांडोज को बिल्डिंग के नक्शे के बारे में समझा दिया गया। 3 जुलाई को ही इसराइल के 100 कमांडोज की टीम ने C-130 सुपर हरक्यूलिस विमानों से युगांडा के एंटेबे के लिए उड़ान भरी। इन प्लेन्स में उन्होंने काली मर्सिडीज कार्स के एक दस्ते को भी लोड किया था, और दोस्तों वो इसलिए क्योंकि उस समय युगांडा का तानाशाह इदी अमीन काले रंग की मर्सिडीज कार से ही चलता था। इसीलिए आतंकियों और युगांडा की आर्मी को झांसा देने के लिए इसराइल ने ये चाल चली थी। इन विमानों के साथ 2 बोइंग 707 भी थे, जिनमें से एक में मेडिकल टीम थी जबकि दूसरे में यात्रियों को वापस लाया जाना था। इजरायली वायुसेना के विमान रेड सी से होते हुए युगांडा के लिए रवाना हुए। रास्ते में 2 बड़ी चुनौतियां थी। पहले तो दुश्मन के रडार में आने से बचना था और इतने लंबे सफर के लिए विमान में तेल भी भरना था। इसके लिए विमान को समंदर के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ाया गया, जिससे वो रडार की नजर में नहीं आए, और वही हवा में ही अन्य विमानों की मदद से मिशन वाले विमान में तेल भी भरवाया गया। 4000 किलोमीटर के लंबे सफर के बाद जब इजरायली सैनिक एंटेबे पहुंचे तब बहुत अंधेरा हो चुका था, और जैसे ही अपने मर्सिडीज के काफिले से सैनिक उस एयरपोर्ट पर पहुंचे जहां बंदियों को रखा गया था तो युगांडा की सेना ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इजरायली कमांडोज ने इन सभी को मार गिराया और बिल्डिंग की पूरी जानकारी होने के चलते वो तेजी से बंधकों के पास पहुंचे और हिब्रू भाषा में जोर से चिल्लाए, नीचे लेट जाओ। इसके बाद एक भीषण मुठभेड़ हुई जिसमें युगांडा के सैनिक आतंकियों और मोसाद के बीच जमकर गोलीबारी हुई, और इस कार्रवाई में सभी अपहरणकर्ता और युगांडा सेना के लगभग 50 जवान मारे गए जबकि इसराइल के 3 बंधक मारे गए। इसराइली नागरिकों को तुरंत विमान में लाया गया और इस तरह इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। आते समय इजरायली कमांडोज ने एयरपोर्ट पर खड़े युगांडा के सभी फाइटर प्लेन्स को भी बम से उड़ा दिया ताकि वहां से निकलते वक्त युगांडा की फोर्स उनका पीछा न कर पाए। अब दोस्तों यहां गौर करने वाली बात ये थी कि इस पूरे मिशन में इसराइल का सिर्फ एक सैनिक मारा गया, जिसका नाम था योनातन नेतन्याहू। योनातन पूरे इसराइल का हीरो बन गया, जिसने सिर्फ 30 साल की उम्र में ही अपनी जान गंवा दी। बाद में इन्हीं योनातन नेतन्याहू के छोटे भाई, जिन्हें हम बेंजामिन नेतन्याहू के नाम से जानते हैं, वो इसराइल के प्रधानमंत्री बने। और दोस्तों कुछ इस तरह इस मिशन के जरिए मोसाद ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई और मोसाद भी दुनिया की कुछ सबसे बेहतरीन टास्क फोर्सेज में गिनी जाने लगी। बहरहाल अगर आपको इस मिशन की ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और ऐसी सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन पर क्लिक भी जरूर करें।